नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रस्सी की ओर से यहाँ पे एक लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी की गई है। न्यू वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है और इसमें टोटल 76 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है आज दिनांक 10 दिसंबर 2021 को। ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है ये संबंध आपकी जल विद्युत निगम में है, साथ ही साथ आपकी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड यानी पिटकुल में है और साथ साथ उरेडा में, ठीक है, यानी अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा में। इसके अंतर्गत ये सारी वैकेंसी आती है और टोटल ये 76 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है आज यानी 10 दिसंबर 2021 को आज विज्ञापन जारी किया गया है और आप जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर सकते हो 15 दिसंबर से आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन यानी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो। अभी आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएगी इसी वीडियो में, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, बाकी सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी 28 जनवरी 2022 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय है वो है जून 2022 तक इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। फिर वो तो बाद में पता चल जाएगा कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। अब जानते हैं यहाँ पर पूरी जो जो पद जिन जिन पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है और उनकी एलिजिबिलिटी यानी आवश्यक जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या है। तो पदनाम अवर अभियंता, यहाँ पे टोटल इसके हैं 25 पद। श्रेणी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो आयु सीमा इम्पोर्टेंट है 18 वर्ष से 42 वर्ष, लेकिन अवर अभियंता के पदों हेतु विभागीय कार्मिकों हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। यदि कोई इस विभाग में कार्य कर रहा है और वो इस फॉर्म को भरता है तो उसके लिए कोई भी क्या है यहाँ पे अधिकतम एज यहाँ पे कुल मिला के लिमिट नहीं है। वैसे आयु सीमा क्या है यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष। टोटल कितने पद हैं यहाँ पे 25 पद हैं। श्रेणी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो इन पदों को। अब देखो यहाँ पे जो अनिवार्य अर्हता है वो है भारत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी की संबंधित शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, यानी पॉलिटेक्निक में आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। पॉलिटेक्निक के अलावा कोई भी इस फॉर्म के लिए यानी जो ये वैकेंसी है जिसमें टोटल 25 पद हैं अवर अभियंता, इसके लिए पॉलिटेक्निक के अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है। देखो पॉलिटेक्निक वाले भी कौन एलिजिबल हैं, जो सामान्य और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% अंकों के साथ क्या है होना चाहिए, उनको उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि जो उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ यदि उन्होंने ये एग्ज़ाम पास करा है यानी पॉलिटेक्निक का उनके पास डिप्लोमा है, इसमें कोई अंक उनके पास मायने नहीं रखता है। लेकिन जो सामान्य और अन्य श्रेणी हैं इनके अलावा, ठीक है, उनको 55% अंक यहाँ पर होना आवश्यक है। बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अगर उन्होंने सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है उनके अंक मायने नहीं रखता है कि कितने परसेंट उनके पास अंक हैं, बस उनके पास क्या होना चाहिए उत्तीर्ण उनका होना चाहिए, उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आगे देखो लिखित परीक्षा कैसी होगी, तो 100 अंकों की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 2 घंटे में आपको वो करने हैं और विषय से संबंधित आपके सब्जेक्ट से संबंधित क्या होंगे ये प्रश्न होंगे। बाकी सेकेंड यहाँ पर जो पद है वो है अवर अभियंता के, कुल 5 पद हैं जनपद प्रशिक्षु और इसमें आप देख सकते हो इसमें भी एज वही है 18 से 42। और अनिवार्य अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें आपका सिविल 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी यानी सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास 55% अंकों के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए और EWS वालों के लिए, ठीक है, इन तीनों के लिए 55% अंकों के साथ सिविल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए पॉलिटेक्निक संस्थानों से। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हैं उनको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए, उनके लिए कोई अंक यहाँ पे मायने नहीं रखता है, सिर्फ उनको उत्तीर्ण करना जरूरी है सिविल में डिप्लोमा, तो 3 वर्षीय सिविल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी लिखित परीक्षा क्या होगी 100 अंकों की होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ जाएंगे 2 घंटे में। उसके बाद पदनाम है यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता, इसके टोटल 10 पद हैं और इसमें देखो इसमें आयु सीमा क्या है 21 वर्ष से 42 वर्ष। इससे ऊपर की जो 2 पोस्ट थी उसमें 18 से लेकर 42 वर्ष आयु सीमा थी, इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष यहाँ पे आयु सीमा रखी गई है। बाकी जो अनिवार्य रहता है वो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव। तो जो कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट है इसमें 2 वर्ष का अनुभव चाहिए और ये तो खैर होना चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी 100 अंकों का एग्ज़ाम होगा, संबंधित विषय से क्या होंगे प्रश्न होंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है जो अवर अभियंता, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत में
कुल इसमें 15 पद हैं और देखते हैं इसके बारे में। देखो इसमें आयु सीमा है 18 वर्ष से 42 वर्ष, और साथ साथ वही है कि जो क्या है विभाग विभाग से संबंधित जो कर्मी हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो अधिकतम आयु की जो सीमा है उनकी उसको यहाँ पे मान्य नहीं, मतलब वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी अधिकतम सीमा जो एज लिमिट है वो नहीं देखी जाएगी। उसके बाद अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है इसमें वो है भारत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से अभियांत्रिकी की संबंधित शाखा में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो इसमें चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं और अन्य श्रेणी के हैं उनको यहाँ पर 55% अंक आवश्यक हैं इन श्रेणियों में, ठीक है। इन यहाँ पर जो ये डिप्लोमा आपने कर रखा है पॉलिटेक्निक में इनमें आपके 55% अंक होने आवश्यक हैं। और जो अन्य श्रेणी है जैसे कि आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए परसेंटेज कोई मायने नहीं रखी गई यहाँ पर, कुल मिला के आपको सिर्फ उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अवर अभियंता यांत्रिकी में टोटल 10 पद हैं और इसमें भी एज रखी गई है, एज लिमिट 18 वर्ष से 42 वर्ष। और अगर हम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें भी सेम वही है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक संस्थान से 3 वर्षीय डिप्लोमा, और बाकी वही है 55% अंकों के जो मायने मतलब जो लिमिट रखी गई है वो जनरल के लिए रखी गई है, और बाकी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके बाद अवर अभियंता इसमें टोटल 11 पद हैं और इसमें जो एज रखी गई है 21 वर्ष से 42 वर्ष। बाकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसमें रखी गई है वो है जनस्वास्थ्य सिविल रसायन पर्यावरण अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आयु के पास होना चाहिए। अब देखो लिखित प्रतियोगी परीक्षा तो वो तो खैर जो हमेशा होता है 45% मिनिमम अंक लाने आवश्यक है सामान्य और ओबीसी के लिए, और जो आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 35% अंक, और माइनस मार्किंग तो यूकेटोलॉजी के लगभग सभी एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी आपको फॉर्म कैसे भरना है 15 दिसंबर के बाद वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और आपको जाना है वहाँ पे ओटीआर करना है, पूरी डिटेल्स आपको डालनी है वहाँ पे, खैर पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी जब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे। बाकी शुल्क आपको इस फॉर्म के लिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 3 अक्टूबर 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 तक जितने भी यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे यूकेटोलॉजी के उनमें कोई भी शुल्क आपको देना नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्म क्या होगा आपके लिए निःशुल्क होगा, तो जितने भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं जरूर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई जरूर करें। दोस्तों तो ये थी इस फॉर्म के बारे में जो ये विज्ञप्ति निकली है आज टोटल 76 पदों में, इसके बारे में डिटेल्स मैंने जानकारी दे दी। फिर भी यदि आपको एक बार स्वयं आप इस PDF को यानी इस PDF को स्वयं रीड कीजिए, देखिए कि आप मतलब कौन से डिटेल्स यहाँ पे जो भी आपको देखनी इसमें आप देख सकते हो, इसका मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हो जरधारी क्लासेस, वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो या लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसको स्वयं देख सकते हैं एक बार। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।